नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स। आज तारीख है 6 नवंबर 2023। से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज पूरा वीडियो को ध्यान से देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर ज़रूर करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें कि आपको हमारी यह वीडियो कैसे लगी। दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, जहां से आप क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में विश्व जेली फिश दिवस कब मनाया जाता है। जेली फिश दोस्तों, यह एक प्रकार की जो है तो मछली की प्रजाति है, तो यह कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो है तो ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, 3 नवंबर को मनाया जाता है विश्व जेली फिश दिवस। ठीक है, 3 नवंबर को दुनिया भर के लोग विश्व जेली फिश दिवस मनाते हैं। 2014 से नवंबर का तीसरा दिन विश्व जेली फिश दिवस की तारीख के रूप में कार्य करता या मनाया जाता है। ठीक है, आज पूरी दुनिया जेलीफ दिवस 2023 के रूप में मना रही है। जानकारी के लिए बता दें कि जेलीफिश जेलीनुमा समुद्री जीव है। कैसी, ये क्या है दोस्तों, यह समुद्री जीव है। कैसा जीव है, समुद्री जीव, यह समुद्री जीव है और है कैसा जीव, जेलीफिश जेलीनुमा समुद्री जीव है जो समुद्र के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। समुद्र के गर्म ठंडे क्षेत्र से लेकर गहरे पानी और समुद्र तक जेलीफिश किसी भी वातावरण में पनप सकती है। उन्हें बस अपने परिवेश के लिए तालमेल बिठाने के लिए कुछ समय चाहिए। ये अन्य समुद्री जीवों से अलग दिखते हैं। जेलीफिश में एक छतरी के आकार का शरीर और कई स्पर्शक होते हैं। भले ही उनके पास मस्तिष्क या शरीर नहीं है, फिर भी वे स्वभाव से बेहद बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस प्रकार से है। हाल ही में IISL, ठीक है, IISL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली, यानी कि डी नंबर। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने 2 नवंबर को राज्य के स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड IISL की 2 परियोजनाएं शुरू की। IISL द्वारा राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल प्रशंसक कार्यक्रम पेश किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पूरे देश में 10 मिलियन ऊर्जा कुशल सीलिंग पंखे और 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव वितरित करना है। ठीक है, कितने, 10 लाख सीलिंग फैन, ठीक है, 10 लाख सीलिंग फैन और जो है तो 20 लाख इंडक्शन कुकर, 20 लाख इंडक्शन कुकर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का, वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग के लिए अनुबंध जारी किया है। ठीक है, तो इसका जो है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि ओडिशा। अन्य देशों के साथ भारत के जो है तो जो संबंध थे, जैसे भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं और वर्ष 2021 में भारत और संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने औपचारिक रूप से भारत UAE व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते पर वार्ता शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है आज का करंट अफेयर्स का, वो इस प्रकार से है कि हाल ही में भारत और निम्न देश किस देश ने, ठीक है, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने लोक प्रशासन से रोजगार पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है,
भारत और निम्न में से, जैसे भारत ने जो है तो रोजगार पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, उसी प्रकार और किस देश ने जो है तो लोक प्रशासन से रोजगार पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो किसने किए हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि फ्रांस। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि फ्रांस ने जो है तो प्रशासन से रोजगार पत्र पर जो है तो क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, लोक प्रशासन से रोजगार पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? फ्रांस ने। आज यहाँ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद बोलते हुए मंत्री ने कहा, मंत्रालय यूनिसेफ और संबद्ध नेटवर्क समस्याओं की ताकत का लाभ उठाकर हम अपनी युवा पीढ़ी को योगदान देने के लिए प्राचुर विकल्पों को सक्षम करने की उम्मीद करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि भारत ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, इस नौसैनिक अभ्यास का जो उद्देश्य था वह है समुद्री सुरक्षा पर यूरोपीय संघ भारत सहयोग की व्यापकता और गतिशीलता को दर्शाता है तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए दृढ़ संकल्प का संकेत देता है। मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र के समर्थन और नौसैन्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव शुरुआत की गई है। ठीक है, 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत की गई है, तो जो है तो किन राज्य में की गई है, तो वो जो है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, 17 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार कृषि कुंभ 2.0 के पूर्व 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव व राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला होगी। ठीक है, जिसका शुभारंभ जो है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक है, इस महोत्सव के जरिए राज्य सरकार प्रगतिशील किसानों को जहां सम्मानित करेगी, वहीं मिलेट्स उत्पादों के लिए अन्य किसानों को प्रेरित भी करेगी तथा साथ ही मिलेट्स फसलों के उत्पादन, उपभोग, वितरण और निर्यात आदि के बारे में भी जागरूक करेगी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो इस प्रकार से है कि हाल ही में फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर है। ठीक है, तो इसका जो है तो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अमेरिका। ठीक है, विश्व शोध फार्म, ठीक है, स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिटनेस यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। जो हमारा भारत है वह जो है तो 17 फिटनेस यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 134 फिटनेस यूनिकॉर्न के साथ सबसे ऊपर है, एक नंबर पर है, और यूनाइटेड किंगडम 27 फिटनेस यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत तीसरे नंबर पर है, यूनाइटेड किंगडम जो है तो दूसरे नंबर पर है, और जो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका वह जो है तो एक नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का, वो इस प्रकार से है कि हाल ही में निम्न में से किसने स्टीम इंजन वाली किस राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो इसका जो है तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया। ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा, जिसे दिखने में भाप लोकोमोटिव जैसा डिजाइन किया गया है और इसका आंतरिक भाग लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है तो 9 है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का, वो इस प्रकार से है कि विश्व का पहला आई
एआई सेफ्टी समिति, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिति निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन में। ठीक है, विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिति आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के नए स्वरूपों की जांच और परीक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे, ऐसे में ब्रिटेन में दुनिया के पहले एआई सुरक्षा संस्थान का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा, ब्रिटेन में किया जाएगा। ठीक है, इसका कहाँ किया जाएगा? ब्रिटेन में। अगले सप्ताह ब्रिटेन को वैश्विक एआई सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आज का करंट अफेयर्स का 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश में भारतीयों को बिना चमत्कारी की यात्रा करने की सुविधा दी गई है? ठीक है, किस देश में भारतीयों को चमत्कारी की यात्रा, ठीक है, बिना चमत्कारी की यात्रा करने की सुविधा दी गई है? ठीक है, किस देश में दी गई है? तो इसका जो है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, थाईलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड। श्रीलंका की कैबिनेट ने भारत समेत 7 देशों के यात्रियों को बिना वीजा देश की यात्रा करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय कर्ज में डूबे द्वीप राष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र में पुनर्निर्माण के प्रयासों के तहत लिया गया था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, वो इस प्रकार से है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, 29 अक्टूबर को। ठीक है, यह प्रस्ताव 8 दिसंबर 2005 को, ठीक है, 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था और पहली बार 4 अप्रैल 2006 को यह दिवस मनाया गया। तब से संयुक्त राष्ट्र की खान कार्यवाही सेवा इस दिशा में काम करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 हो इस प्रकार से है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हैंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? हैंगर प्रोजेक्ट को, ठीक है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन दोस्तों, नॉर्वे को मिला है। किसको मिला है? नॉर्वे को। ठीक है, क्योंकि भारत के हैंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नॉर्वे सितंबर 2026 तक 3 वर्षों में सिर्फ 44.7 रुपया मिलियन आवंटित करेगा। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का, वो है हाल ही में 10वां उत्तराखंड महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों इसका जो है तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ऋषभ चौरसिया के द्वारा यह इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आगाज हो गया है उत्तराखंड महापरिषद के, ठीक है, उत्तराखंड जो है तो महापरिषद के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत के विविध सांस्कृतिक विरासत का महोत्सव बीरबल साहनी मार्ग स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर्वतीय संस्कृति उपवन में शुरू हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, वो इस प्रकार से है कि हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो इसका जो है तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ठीक है, यानी कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। ठीक है, शाकाहार को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस दुनिया भर में शाकाहारी समुदाय और संगठन के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है,
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा यह कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें एंड बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।